नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो शुरू करते हैं। तो अगर बात करें हम साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस की, देखिए इसका नाम साइंस में अगर कुछ भी बात करते हैं तो नाम इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो खुद से एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो हम यहाँ साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस की बात कर रहे हैं। साइट डायरेक्टेड, यहाँ पे साइट का मतलब ये है कि पर्टिकुलर हम इंटरेस्टेड हैं किसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। किसमें इंटरेस्टेड है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में। ओके जी। और ये है डायरेक्टेड, मतलब हम इच्छुक हैं किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में डायरेक्ट करने की म्यूटेशन हो, तो उसको हम बोलते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि साइट डायरेक्टेड जो म्यूटाजेनेसिस है, क्या बोला मैंने, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स, अगर हम बोले कि इस प्रोटीन में ये अमाइनो एसिड है, वो क्यों है? वो क्योंकि कोड करके रखा गया उसको डीएनए में। अमाइनो एसिड इज कोडेड कोडेड इन द फॉर्म ऑफ कोडोन, और कोडोन है कहां पे? डीएनए में। थोड़ा और लिख लेते हैं। डीएनए के इट इज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, डीएनए स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सपोज ए T G C T A T G C, सॉरी दिस इज G देन C T A, और डीएनए डबल स्ट्रैंड होता तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे C G A T। अब हम बात करें कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, हम बात करते हैं कि एक अमाइनो एसिड, सिंगल अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय अ कोडोन, और कोडोन में कंप्राइजिंग ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड, जैसे एटीसी एटीजी सीटीए टीएजी सीटीए, तो सिमिलरली अदर्स आल्सो, है ना। हम इसको बोलेंगे चेन कंटिन्यूशन में। तो यहां पे देखें, 1 2 3 4, टोटल कितने? फोर अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब ये जो होगी, इसकी होगी क्या? होगी ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा बेटा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनेगा? एमआरएनए। और एमआरएनए की फर्दर क्या होगी? ट्रांसलेशन। क्या होगा बेटा? ट्रांसलेशन। और इस ट्रांसलेशन से क्या बनेगा? प्रोटीन। ओके। अब ये प्रोटीन जो है, इट इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, बहुत सारे अमाइनो एसिड। मैंने बोला कि एलानिन है, आइसोल्यूसिन है, ग्लूटामेट है, एलानिन आ गया, चलो, है ना। और भी कई तरह के बहुत सारे अमाइनो एसिड आगे, पोलर नॉन पोलर, मतलब दे कंबाइन टू फॉर्म एन प्रोटीन स्ट्रक्चर। अब आप ये स्टडी करना चाहते हो कि क्या किसी अमाइनो एसिड की एब्सेंस में क्या ये फंक्शनल है कि नहीं है, या फिर आप ये स्टडी करना चाहते हो कि एक पर्टिकुलर, अगर सेगमेंट ही निकाल दिया जाए, कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही निकाल दिया जाए प्रोटीन में से, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा उसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की तरफ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हम कुछ म्यूटेशन कॉज करते हैं, दैट कैन बी चेंजिंग ऑफ सीक्वेंस, दैट लीड टू चेंज ऑफ अमाइनो एसिड। वी कैन गो फॉर इंसर्शन, या फिर ऐड कर दो सीक्वेंस में, दैट वी कॉल्ड इंसर्शन, या फिर उसमें से कोई डिलीट ही कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या किया, आई हैव गॉन थ्रू दिस साइट डायरेक्टेड म्यूटेशन, जहां पे अगर मैं ये सब एक सपोज एक ही स्ट्रैंड ले रहा हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे ए टी जी है, ठीक है, इसमें म्यूटेशन कॉज की, साइड डायरेक्टेड म्यूटेशन की, तो ये क्या हुआ? सी ए ए हो गया, ठीक है, टी ए जी सी टी ए, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस आप कर सकते हो, ठीक है जी। चलो वो भी लिख देते हैं, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे जी आएगा, टी टी ए टी सी जी ए ए। अब आप सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होगा? देखिए सी टी ए, तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज कर दिया, दैट इज ए, तो यहां पे इसको मतलब पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है, ये तो क्या फर्स्ट केस, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, इंसर्ट कर दिया कि सम सीक्वेंस टू बी इंसर्टेड, तो यहां पे मान लो सीक्वेंस मैंने बोला ए टी जी सी टी ए, और मैंने बोला जी सी ए देन टी ए जी सी टी ए, तो यहां पे देखिए सीक्वेंस इंसर्ट किया, कौन सा सीक्वेंस इंसर्ट किया? यहां पे इंसर्ट किया हमने सी जी ए, तो ये हो गया इंसर्शन। इसी तरह से बोलने की पर्टिकुलर सीक्वेंस डिलीट कर दिया, मान लो यहां से मैंने ए टी जी एंड टी ए जी सी टी ए,
ठीक है, तो इसमें से देखो ना आप कौन सा सीक्वेंस डिलीट हो गया जो सेकंड नंबर का था, तो ये वन था, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, तो यहाँ पे सेकंड सीक्वेंस तो डिलीट ही हो गया। तो इस तरह से हम साइड डायरेक्टेड मोडेंसेस कर सकते हैं, आइदर वी कैन रिप्लेस द न्यूक्लियोटाइड, आइदर वी कैन इंसर्ट अ सम सीक्वेंसेस, और वी कैन डिलीट अ सीक्वेंस, सो दैट वी कॉल साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। ओके, तो अब इसमें चलते हैं कि साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में होता क्या है, और मोस्टली इट इज बीन पीसीआर बेस्ड, जो ये पीसीआर बेस्ड है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जो साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस इसमें देखिए एक एक टेक्निक है, इट इज एन टेक्निक। तो इस टेक्निक में इंपॉर्टेंट क्या है, पहली चीज मैंने बोला कि इट इज एन पीसीआर बेस्ड, है ना, कि हम बोल रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज पीसीआर बेस्ड। और पीसीआर बेस्ड में क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट है प्राइमर। क्या इंपॉर्टेंट है? प्राइमर। व्हाई इट प्राइमर इज इंपॉर्टेंट, देखिए प्राइमर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस सीक्वेंस को आप म्यूटेशन कॉज करना चाह रहे हो, मान लो मैं सीक्वेंस यहां पे लिख देता हूं कि एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन, इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी लिख देते हैं, चलो ए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा सी जी टी ए, देन जी T A C N G, बट इस सीक्वेंस आपने सीक्वेंस देख लिया। अब इस सीक्वेंस में मैं चाह रहा हूं कि पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या किया जाए, म्यूटेशन कॉज किया जाए। अब पहले तो हम देखो हम क्या करते हैं, इसको कोडोन बना लेते हैं, ये कोडोन बना लिया, एक कोडोन, सेकंड कोडोन, थर्ड कोडोन, फाइव कोडोन। अब मेरी जो है टास्क है कि यहाँ पे जो सेकेंड कोडोन है, ये जो सेकेंड कोडोन है इसमें जो एडेनिन है, ठीक है, इस एडेनिन को, व्हाट आई वांट एडेनिन टू बी रिप्लेस बाय ग्वानिन। क्या बोला मैंने, एडेनिन टू बी रिप्लेस बाय ग्वानिन। कैसे करेंगे, यहां पे आएगा प्राइमर का रोल। प्राइमर हमने डिजाइन करने हैं, वी हैव टू डिजाइन अ प्राइमर विद मिसमैच। फॉर एग्जांपल हियर अभी प्राइमर बना रहे हैं, देखो मैं टी ए, यहां पे होगा कॉम्प्लीमेंट्री, यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री नहीं ऐड करेंगे, यहां पे मैंने कर दिया जी, फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री किया इसके ऊपर ए, देन सी जी टी ए सी जी। अब आप देखिए कि यहां पे क्या करा, ये कर दिया कुछ मिसमैच। अब आप समझिए मेरी बात, पीसीआर का बेसिक देखिए होता क्या है, कि सबसे पहले क्या होती है, डीनेचुरेशन, है ना, जो स्टैंड इसकी क्या होगी, डीनेचुरेशन, तो हो जाएगा सेपरेट। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऐड प्राइमर। अब मान लो कि ये जो सीक्वेंस मैंने यहां पे लिखा ना, ये सीक्वेंस मैंने लिखा, तो वो सीक्वेंस की लोकेशन कुछ यहां पे है, ठीक है, अब क्या होगा, प्राइमर ऐड होंगे, और प्राइमर क्या होता है, हमेशा एक फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर होगा, तो फॉरवर्ड प्राइमर क्या ऐड होगा, यहां पे ऐड हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स प्राइमर इधर ऐड हो जाएगा, और इन दोनों प्राइमर में जैसे मैंने बोल दिया कि वन प्राइमर इज म्यूटाजेनिक, सेकंड प्राइमर सेम हो सकता है, सेकंड प्राइमर क्या सेम हो सकता है, ओके, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप उसमें म्यूटेशन करना है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये प्राइमर ले, जिसमें मैंने क्या किया, एक मिसमैच यहां पर कर दिया था, क्या कर दिया था मैंने, मिसमैच कर दिया। अब देखिए जब साइकिल चलेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्दर एम्पलीफाई होगा, ये भी एम्पलीफाई हुआ, ठीक है। तो अब ये देखिए ना, इस सीक्वेंस में क्या हुआ, इस सीक्वेंस में जो नया स्ट्रैंड बना उसमें म्यूटेशन आ गई। ओके, तो ये छोटा सा एक एग्जांपल मैंने दिया, अगर हम टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा एलिबरेट हो जाएगा। इसलिए प्राइमर क्या है, बहुत जरूरी है प्राइमर डिजाइनिंग, ठीक है जी। अब चलते हैं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये हमने देख ही लिया कि टारगेट सीक्वेंस इज एम्पलीफाइड यूजिंग अ प्राइमर वेयर हियर अ प्राइमर आर डिजाइंड लाइक विद सम मिसमैच सीक्वेंस, वी कॉल इट पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं चाहता हूं कि इसमें से, अच्छा कि ये वाला सीक्वेंस, ये सीक्वेंस क्या करना चाह रहा हूं, मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, क्या चाह रहा हूं, डिलीट करना चाह रहा हूं, तो क्या करेंगे, तो हम फिर से एक प्राइमर डिजाइन करेंगे। प्राइमर कैसा डिजाइन करेंगे, हम जो फ्लैंकिंग सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट्री कोई प्राइमर नहीं होगा, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं। मान लो ये है टी, ये है, देखो यहां पर मैं एक प्राइमर अलग से बनाता हूं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तो यहां पर पहले इसको इरेज करते हैं फटाफट से, यहां पे हमने प्राइमर लगाया टी ए, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री लगाना ना बेटा, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री है, देन सी जी, मुझे करना है एटीजी को डिलीट, तो मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो ये लग गया सी जी एंड
ट्वीट टी, और ये आ गया ए, और ये आ गया सी, और ये आ गया जी। अब जब ये सीक्वेंस, जब ये प्राइमर, ये जो प्राइमर है बाइंड करेगा सीक्वेंस में, तो क्या होगा? कुछ इस तरह का, मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा इसको, ठीक है? तो होगा क्या, कुछ इस तरह से सीक्वेंस ये हमारे पास आ गया, जो टेम्पलेट सीक्वेंस है। ये टेम्पलेट हो गया कि जब ये डीनेचर हुआ, ये दोनों स्टैंड अलग हो गए, तो एक स्टैंड क्या होगा, इस तरह से एक लूप बना लेगा, और उसके ऊपर जो हमारा ये है दैट प्राइमर विल बी बाइंडेड, क्योंकि ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री तो बाइंड कर गया और ये नहीं हो। अब जब ये एम्पलीफाई होगा, ये सीक्वेंस जब एम्पलीफाई होगा, तो क्या होगा, तो ये चीज नहीं होगी उसमें, तो हो गया ना डिलीट। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे और भी जो टेक्निक्स हैं आगे पढ़ लेंगे, ठीक है? तो अब इसका बेसिक क्या है, ठीक है? तो थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिक ऑफ दिस थाई डायरेक्टेड म्यूटेसिस। द बेसिक इज टू एम्पलीफाई विद, सॉरी, म्यूटाजेनिक प्राइमर। क्या करना है? टू एम्पलीफाई द डिजायर्ड सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस एम्पलीफाई करना है, लेकिन उसमें क्या करनी है, जो प्राइमर हम लेंगे उसमें क्या होगा, म्यूटेशन होगी। इज इट एप्लीकेबल टू ऑल द मेथड्स दैट वी विल स्टडी? यस, मोस्टली, है ना, मोस्टली इट इज एप्लीकेबल। तो चलते हैं, कौन सी टेक्निक होती है। चार टेक्निक हम पढ़ेंगे। वन इज क्विक चेंज मेथड, अनदर इज ओवरलैप एक्सटेंशन, यूनिवर्स प्राइमर एंड मेगा प्राइम। ये जो दो टेक्निक हैं, ये हम करेंगे सेकेंड लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम ये दो टेक्निक्स को पढ़ेंगे, ठीक है जी? तो पहले चलते हैं क्विक चेंज मेथड, ठीक है? अब क्विक चेंज मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन, कि आप आइडेंटिफाई करोगे किस सीक्वेंस में आपने म्यूटेशन कॉज करनी है। तो वो आप क्या करोगे, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, सपोज मैं क्या बोल रहा हूँ कि ई कोलाई के पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप म्यूटेशन कॉज करके देखना चाहते हो क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो आप क्या करोगे, उस जीनोम के, जीनोम में से उस सीक्वेंस को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और उसको क्या करा, आइसोलेट कर लिया, और उसके बाद उसको करेंगे इंसर्ट करें किसी वैक्टर में, कर दिया, यहाँ पे इंसर्शन हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा प्राइमर डिजाइन। अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक मेथड का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये मतलब याद रखना है आपने, कि जो प्राइमर होंगे, क्या द प्राइमर्स विल बी ओवरलैप्ड, क्या बोला मैंने बेटा, ओवरलैप्ड प्राइमर होंगे। देखिए ये प्राइमर क्या है, ये ओवरलैप है ना, ओवरलैप मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं इन सीक्वेंस के, ठीक है? तो इनको बोलते हैं ओवरलैप प्राइमर। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल में, अब क्या किया, देखिए ये पर्टिकुलर रीजन को मैंने यहाँ पे इनलार्ज करके दिखाया। अब आप देखेंगे ना, जैसे हमने डिस्कस भी किया, ये है सीक्वेंस जहां पे हमने म्यूटेशन कॉज करनी है। ये अज्यूम कर लिया कि भैया ये सीक्वेंस है जहां पे म्यूटेशन कॉज करनी है, और म्यूटेशन भी कैसे कॉज करनी, कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या होगा उसमें, मिसमैच, मतलब रिप्लेस कर दिया, कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे टी की जगह क्या आ जाए, सी आ जाए। ओके, तो मैंने क्या प्राइमर डिजाइन किया, दो प्राइमर डिजाइन किया मैंने, एक प्राइमर मैंने बोला कि प्राइमर वन और प्राइमर टू, ठीक है? अब इन प्राइमर में क्या किया, इनमें देखिए ये डिजाइन किया हमने प्राइमर, और इन प्राइमर देखिए यहाँ पे क्या है, मिसमैच, यहाँ पे क्या है, मिसमैच। ओके, अब वही बात आ गई ना, जब ये एम्पलीफाई होगा, ठीक है? तो पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप करते हैं कि आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा स्टेप देखिए, पहले स्टेप में क्या क्या आइडेंटिफाई किया, उसको इंसर्ट किया वेक्टर में, दूसरा स्टेप क्या किया, उसके लिए प्राइमर डिजाइन किया, और जब प्राइमर डिजाइन किया उसमें क्या, पर्टिकुलर एक जगह पे मिसमैच है, दैट लीड टू पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है? अब चलते हैं थर्ड स्टेप में, ठीक है? तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप था, ठीक है जी? ये आ गया हमारे पास सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, कि दैट लीड टू एम्पलीफिकेशन। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन ये जो प्रोसेस होगा ना, इसके बाद जो प्रोसेस है वो सारा कहाँ पे हो रहा है, पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज और नोट करनी है हमने, कि जो आप डीएनए पॉलीमरेज लेंगे, यहां पे क्या लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, है ना, हमें पता ही है कि जो पीसीआर में जो डीएनए पॉलीमरेज, दैट विल बी से हीट स्टेबल, थर्मोस्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं एक्वेटिकस थर्मस, दैट पॉलीमरेज बोलते हैं ना, थर्मस एक्वेटिकस। अब थर्मस एक्वेटिकस के होते हैं, इसके एरर थोड़े ज्यादा होते हैं, कि एरर कॉज कर देते, तो हम क्या करते हैं, हाई फिडिलिटी वाला, कि द विल टेक एन पॉलीमरेज विच इज हाई फिडिलिटी, तो हम लेते हैं पीएफयू, क्या लेते हैं यहाँ पे, पीएफयू। तो जो पीएफयू, इट इज अ काइंड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विच इज हाई फिडिलिटी, लेस एरर रेट। ओके, क्यों, क्योंकि अगर ये एरर करने लगा तो हमारा तो सीक्वेंस, हम जो स्टडी कर रहे हैं उसमें फर्दर एरर जाएंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि लेस एरर आनी चाहिए, कि म्यूटेशन जो हो वो हम चाहते हैं वो हो,
जो एरर किसी और किसी फैक्टर के कारण ना आए, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया, हाई फिडेलिटी फिडेलिटी वाला टैग पॉलीमरेज़ लिया। अब ये देखिए ये रेप्लिकेशन होगी इसकी। तो अब रेप्लिकेशन के बाद यहां पे कितने स्ट्रैंड बन गए आपको दिखेंगे ना, एक, ठीक है, ये दो, ये तीन, ये चार, मतलब इसमें टू होंगे पेरेंटल और टू होंगे डॉटर। नेक्स्ट क्या करना है, वी हैव टू डिग्रेड द पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए को डिग्रेड करना। अब यहां पे वो काम करेगा डीपीएन1, कौन करेगा, डीपीएन1। ये एक ऐसा न्यूक्लियस एंजाइम है जो कि मिथाइलेटेड डीएनए को डिग्रेड करता है। किसको डिग्रेड करेगा, इट विल डिग्रेड द मिथाइलेटेड डीएनए, ओके। और मिथाइलेटेड डीएनए कौन सा होगा, पेरेंटल डीएनए। तो पेरेंटल डीएनए मिथाइलेट तो हो गया डिग्रेड, पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे बचेगा हमारे पास जो डॉटर। तो पीछे क्या बचा हमारे पास, पीछे बचा हमारे पास जो हमने म्यूटेंट यानी म्यूटेंट स्ट्रैंड बने, ओके, जो प्रोडक्ट बना। अब इसको करेंगे वी विल एम्पलीफाई। देखिए यहां पे क्या होगा ना, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे निक होगा, ये क्या, एक निक है, ये जनरेटेड होता है निक। क्यों जनरेटेड होता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज होती है ना, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, मान लीजिए पहले फॉस्फेट को ये पड़ा हुआ है, दैट वी कॉल न्यूक्लियोटाइड पड़ा हुआ, ठीक है। अब यहां से सिंथेसिस चल रही है, तो ये जो नया न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब कि डीएनए पॉलीमरेज लैक द एक्टिविटी टू फॉर्म एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद द प्री, मतलब प्री एग्जिस्टिंग से न्यूक्लियोटाइड, पहले से पड़ा उसके से नहीं बना पाएगा। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, उसके मुझे डीएनए लाइगेज चाहिए। या तो आप एक काम करिए, जब पीसीआर हो गया उसके, मतलब जब ये रिएक्शन होगी तो आप डीएनए लाइगेज ऐड कर दीजिए, या फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिए होस्ट सेल में, तो होस्ट सेल का डीएनए पॉलीमरेज ऑटोमेटिक करके निक को कर देगा सील। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया होस्ट सेल में, और ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल में करने के बाद इसका निक हो गया सील, और उसके बाद ये आपके पास आ गया कौन सा वेक्टर आ गया, जिसमें कि म्यूटेंट सीक्वेंस प्रेजेंट है। यहां मैं आपको थोड़ी बात और बताना चाहूंगा, ओके, उसके लिए मुझे नई स्लाइड चाहिए एक। तो यहां पे इसका रैप अप ले लेते हैं, अच्छी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें समझनी चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट चीजें, पहली बात कि आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए मैं चलूंगा पीसीआर स्टेप से, किससे चलूंगा, पीसीआर स्टेप से। पीसीआर आपने क्या किया, म्यूटाजेनिक प्राइमर्स लगाए थे ना, म्यूटाजेनिक प्राइमर लगाए, फिर आपने क्या किया उसको म्यूटेशन के लिए, मतलब प्राइमर ने अपना काम किया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या उसको, कि डीपीएन से क्या किया, डीपीएन वन ने डिग्रेड किया, डीपीएन वन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ द पेरेंटल डीएनए। अब ये सारा एक वाइल में ही हो रहा है, ठीक है। आपने डीपीएन डाला तो उसने क्या किया, पेरेंटल स्ट्रैंड को क्या किया, डिग्रेड कर दिया, लेकिन डॉटर स्ट्रैंड क्या है, एज सच प्रेजेंट है। अब यहां पे ना हमें एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। क्या करना है हमें यहाँ पे, एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, होल्ड कीजिए यहाँ पे बताइए, ठीक है, ओके। चलो आई विश कि आपने आंसर कर दिया होगा। देखिए जब डीपीएन वन से ट्रीट करते हैं तो जो पेरेंटल डीएनए है वो क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेड, वो क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड, ठीक है। और जो हमने, जो हमारे पास सीक्वेंस है यानी जो एम्पलीफाइड है, एम्पलीफाइड मतलब जो डॉटर स्ट्रैंड वो एम्पलीफाइड है, वो नेसेंट है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू सेपरेट, वी हैव टू सेपरेट द पेरेंटल फ्रेगमेंटेड डीएनए फ्रॉम द न्यूली सिंथेसाइज डॉटर स्ट्रैंड। तो वो कैसे होगा, वो एग्रोज इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, ओके। तो आप क्या करेंगे, आप इसके थ्रू आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू योर प्रोटोकॉल, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल, जब हम कभी प्राइमर का यूज करते हैं है ना, तो हमें पता होता है कि इफ यू आर यूजिंग दिस प्राइमर, जो पीसीआर के बाद जो प्रोडक्ट होगा वो कितने, उसका प्रोडक्ट लेंथ क्या होगा, उसका मॉलिकुलर वेट क्या होगा, क्या बोला मैंने, मॉलिकुलर वेट क्या होगा। क्योंकि आप देखिए ना, इन इन मिक्सचर में से आपको ढूंढना भी तो है, क्योंकि जब आप एग्रोजेल करोगे तो आपको बैंड मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग बैंड मिलेंगे। तो आपको इन बैंड्स में से कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई आपका बैंड कौन सा है, मतलब आपका जो डीएनए वो कौन सा है, कि डॉटर डीएनए कौन सा है, ओके। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि जब डॉटर स्ट्रैंड है ना, यहाँ पे हम बोले कि जो प्लाज्मिड था,
जब वो एम्पलीफाई होगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ओके, कितने बेस पेयर का होगा। जैसे मैं बोलूँ कि वो सपोज 550 KB का है, क्या बोला मैंने, 550 KB का है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमेशा याद रखते हैं कि हम जब भी एग्रोस जेल चलाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट लगाते हैं हम हमेशा मार्कर, क्या लगाते हैं, डीएनए मार्कर, सेकंड हम लगाते हैं अपना सैंपल, ओके। मार्कर का क्या होता है कि मार्कर यहाँ पे आपको गिवन है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, आप वेंडर्स को बोलते हैं मुझे 1000 KB का मार्कर चाहिए, और वेंडर आपको दे देता है, और वेंडर क्या करता है, एक उसमें इमेज भेजेगा आपको, और उसमें लिखा होता है कि इफ दी मार्कर इज रन इन पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल 1% ऑफ एग्रो जेल, इट विल शो फॉलोइंग पैटर्न। फॉलोइंग पैटर्न मतलब एक इमेज दे देंगे आपको जिसमें सारा कुछ ऐसे मेंशन होगा, और साथ के साथ इसका क्या होगा, स्केलिंग कर रहा, क्योंकि जैसे बोलो कि सपोज ये 1000 KB का है जी, फिर बोलेंगे ये 800 KB का है, सिमिलरली सपोज यहाँ पे मेंशन है 550 KB। और अब आप क्या करेंगे, आपका जो सैंपल था सीक्वेंस, उसमें काफी सारे फ्रेगमेंट्स आए। अब आप सपोज कि ये जो फ्रेगमेंट है, ये वाला फ्रेगमेंट सपोज ये कंसाइड कर रहा है, मैच कर रहा है इस फ्रेगमेंट के साथ, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 550 KB। तो हुआ ना आपके पास, जो आप ये सैंपल हो सकता है कि हाँ भी यही मेरा डीएनए जो क्या है, एम्पलीफाइड हुआ है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब फ्रेगमेंटेड होते हैं उनका साइज कम होता है, वो जल्दी मूव कर जाते हैं, मतलब एट द एंड, ठीक है जी। तो इस तरह से आप अपना जो एम्पलीफाइड पेरेंट डॉटर स्ट्रैंड है उसको आप आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके एल्यूट कर लो, है ना, जेल से क्या करेंगे, जेल से एल्यूजन कर लो, एल्यूजन ऑफ योर प्रोडक्ट, डन कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ा साइड होना पड़ेगा, तो मैंने अपने आप को साइड में कर लिया है। अब चलते हैं ओवरलैप प्राइमर एक्सचेंज की तरफ। दिस इज ऑल्सो एन पीसीआर बेस्ड मेथड। ये भी क्या है, पीसीआर बेस्ड मेथड है। इसमें याद रखेंगे कि इसमें 3 राउंड ऑफ पीसीआर करने हैं हमने, कितने करने हैं, 3 राउंड ऑफ पीसीआर। जो फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर होगा वो क्या होगा, वो दो अलग अलग वॉयल्स में किया जाएगा, मतलब 2 वॉयल्स टू बी टेकन सेपरेटली, और इसमें हमने 4 प्राइमर्स लेने हैं। तो वॉयल 1 में हम क्या करेंगे, एक फ्लैंकिंग प्राइमर के साथ एम्पलीफाई करेंगे, दूसरा हम करेंगे म्यूटेजेनिक प्राइमर के साथ, और जो सेकंड है इसमें हम करेंगे एक म्यूटेजेनिक प्राइमर लेंगे और दूसरा हम क्या लेंगे, फ्लैंकिंग प्राइमर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब और यहाँ पे ना आप चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम फर्स्ट रिएक्शन मिक्सचर में म्यूटेजेनिक प्राइमर ले रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट रिएक्शन मिक्सचर में जो म्यूटेजेनिक प्राइमर ले रहे हैं वो क्या होगा, दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द म्यूटेजेनिक प्राइमर ऑफ सेकेंड रिएक्शन मिक्सचर। ये मतलब यहां पे एक ये और ये सेकंड, ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होंगे वो आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। अब दो फ्लैंकिंग प्राइमर जो नॉन म्यूटेजेनिक है, फ्लैंकिंग प्राइमर नॉन म्यूटेजेनिक प्राइमर है, और जो ये म्यूटेजेनिक प्राइमर है इसमें क्या है, दो हैं अलग अलग रिएक्शन मिक्सचर में ले रहे हैं। जैसे एक वॉयल 1 मतलब है ना कि हमारे पास मान लो कि डीएनए है और ये डीएनए है, इन दो मतलब दोनों डीएनए में सेम सीक्वेंस है, दोनों डीएनए में सेम सीक्वेंस है, सेम सोर्स से है, ओके। लेकिन एक म्यूटेजेनिक प्राइमर यहां पे है, दूसरा म्यूटेजेनिक प्राइमर यहां पे, और ये दोनों ही म्यूटेजेनिक प्राइमर के आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो उसके बाद करेंगे इसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो पीसीआर होगा, फर्स्ट रिएक्शन मतलब फर्स्ट पीसीआर राउंड में देखिए, ये आपके पास फ्लैंकिंग प्राइमर है ये वाला, ठीक है, ये एम्पलीफाई करेगा, तो ये इधर एम्पलीफाई हो गया, ठीक है, म्यूटेजेनिक प्राइमर इधर एम्पलीफाई हो गया, ठीक है। ये जो बीच में ये क्या है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड है जो न्यूली बन है। सिमिलरली यहाँ पे ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये डॉटर स्ट्रैंड है। अब इनमें एक ये वाला है म्यूटेजेनिक और ये म्यूटेजेनिक प्रोडक्ट, ठीक है, क्या बोला मैंने, म्यूटेजेनिक म्यूटेजेनिक प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, फर्दर एम्पलीफाई कर रहे हो आप इसको, है ना, कि 20 to 25 साइकिल्स आप एम्पलीफाई कर रहे हो, और उसके बाद एक कंडीशन आएगी जहां पे हमें प्योर एक म्यूटेजेनिक प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहां पर भी और यहां पर भी, समझ रहे मेरी बात। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर हुआ। फर्स्ट राउंड ऑफ पीसीआर में क्या करना है, देखिए दोबारा से बोलता हूं कि दो पीसीआर रिएक्शन लेनी है, दो पीसीआर रिएक्शन लेनी है ना, और इन पीसीआर रिएक्शन में हमने करने हैं दो प्राइमर इसमें ऐड किए, दो प्राइमर इसमें ऐड किए। यहां पे एक म्यूटाजेनिक प्राइमर जो है, ये जो म्यूटाजेनिक प्राइमर है और ये जो म्यूटाजेनिक प्राइमर है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, और कर क्या रहे हैं, सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इनकी आगे क्या हुआ, इनका एम्प्लीफिकेशन किया, और एम्प्लीफिकेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, प्रॉपर म्यूटाजेनिक
क्या मिल जाएंगे, सीक्वेंस, यहां पर भी म्यूटेजेनिक सीक्वेंस मिल गए। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में इन दोनों को मिक्स करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, जो सॉरी हाँ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन और सेकेंड रिएक्शन, जैसे ये था हमारे पास सेकेंड वाला, ये था फर्स्ट वाला, इन दोनों करेंगे मिक्स कर देंगे, इन दोनों को करेंगे मिक्स कर देंगे। अब याद है मैंने आपको बोला था कि जो म्यूटेजेनिक प्राइमर्स थे वो क्या थे, कॉम्प्लीमेंट्री थे। जब म्यूटेजेनिक प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री थे, उनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट हैं वो भी क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो ये जब मिक्स किए गए तो ये वाला और ये वाला है ना, इनमें ये जो पार्ट है ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री था, तो ये आपस में क्या हो गए, बाइंड हो गए। और उसके बाद क्या, ये फिर देखिए यहां पे इसने एम्पलीफाई इधर हुआ, ये इधर एम्पलीफाई हुआ। फर्स्ट राउंड जो लिया उसमें हमने क्या किया, दो रिएक्शन मिक्सचर अलग अलग लिए फर्स्ट राउंड में, जिसमें हमने प्राइमर्स यूज करे। सेकेंड राउंड में हमने प्राइमर नहीं यूज किए, सेकेंड राउंड में हमने जो फर्स्ट और सेकेंड के प्रोडक्ट थे उनको आपस में मिक्स किया, और क्योंकि उसमें म्यूटेजेनिक प्राइमर क्या थे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो वो क्या हो गए, वो एक्ट एज ए प्राइमर किए, तो यहां पे हो गए वो एक्सटेंट। थर्ड वाले में हम क्या करते हैं, वी विल हेल्प विद द हेल्प ऑफ फ्लैंकिंग प्राइमर, यानी नॉन म्यूटेजेनिक प्राइमर क्या करेंगे, इनको फर्दर एम्पलीफाई करेंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं हम ओवरलैप प्राइमर एक्सटेंशन। ओके, तो ये फ्लैंकिंग प्राइमर ने क्या किया, फर्दर एक्सटेंड किया। आफ्टर द फर्दर एक्सटेंशन व्हाट मीन, जो म्यूटेजेनिक हमारे पास प्रोडक्ट आए उनको क्या किया गया, उनको फर्दर वेक्टर में ऐड किया गया, देन इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू होस्ट सेल, जहां पे उसका एक्सप्रेशन आप चेक करेंगे। ओके जी, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। Thank you so much.